जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करेंगे क्लास टेंथ की जो पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, है ना। इसमें क्या है, देखो, इसको कैरोलिन वेल्स ने लिखा हुआ है ना। नाम इनका नीचे है, पहले बता देते हैं, कैरोलिन वेल्स हैं, पोएटेस हैं, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। क्या कहती हैं, कह रही हैं, दिस ह्यूमरस पोएम, ये जो हंसी वाली पोएम है ना, सजेस्ट सम डेंजरस वेज, आपको सजेस्ट करती है, कुछ बताती है, कुछ खतरनाक तरीके को, है ना, टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, मतलब जंगली जो जानवर होते हैं, तो इनको पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके क्या क्या हैं, ये पोएटिस इसमें बताती हैं, या उनके बारे में बताने के तरीके को। कह रही है, रीड इट अलाउड, थोड़ा अलाउड पढ़ो इसको, है ना, मतलब इसको जोर जोर से पढ़ो। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पढ़ना कि स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम इसमें रहे, मतलब एक रिदम, मतलब कुछ चीज़ बज रहा हो, हम धुन ताल पर गा रहे हो कोई चीज़, उस तरीके से पढ़ना, ये इनका एक इंस्ट्रक्शन है। अब डायरेक्टली पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने कहा क्या है ना, तो देख लो, फर्स्ट पैराग्राफ में बता रही हैं, यानी इफ एवर, कभी भी, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर कभी भी आपको चांस मिलता है ना कि आप कहाँ जाओगे, जंगल इन द ईस्ट, मतलब पूर्व के जंगलों में जाओगे, मतलब असम साइड के जो जंगल हैं, मतलब पूर्व के जो जंगल हैं, भारत के पूर्व में जो जंगल हैं, अगर आप वहाँ पे चले जाते हो बाय चांस, एंड इफ देयर सुड टू यू एडवांस, अगर तुम थोड़े और आगे बढ़ गए, एडवांस हो गए, थोड़े आगे चले गए, तो अ लार्ज एंड टॉनी, माने पीला, लार्ज एंड टॉनी बीट्स, आपको एक पीला सा बड़ा सा जंगली जानवर दिखाई देगा, बीट्स दिखाई देगा। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, ये डाइंग है लेकिन डाइंग लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर वह दहाड़ता है तुम्हारे ऊपर ऐसे कि तुम मरे जा रहे हो, मतलब तुमको मरने इतना डर लगने लगे अगर उसके दहाड़ने पे, तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तब तुमको पता चलेगा कि ये एशियन लायन है ना। मतलब एशियन लायन जो होते हैं, उनकी खासियत पोएटिस ने क्या बताया है कि अगर ईस्ट के जंगलों में जाते हुए एक पीला सा, है ना, बड़ा सा आपको जंगली जानवर मिलता है, अगर वो आपके ऊपर दहाड़े तो लगे कि आप मरे जा रहे हो, मरने इतना भय अगर आपको लग जाए, तो फाइनली आपको पता चलेगा कि वो क्या है, एशियन टाइगर है। मतलब एशियन टाइगर को पहचानने का एक तरीका इन्होंने यहाँ पर बताया है, ये हालांकि खतरनाक तरीका है, इन्होंने ऑलरेडी कहा था कि हम कुछ डेंजरस ये बताने जा रहे हैं, तो ये खतरनाक तरीका कोई अपनाएगा नहीं, बट इसने बताया गया है। अब देखो सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रही हैं, और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बेस्ट ग्रीट्स यू, देखो रोमिंग का मतलब होता है, रोम का मतलब होता है ना मजे से टहलने को, हम रोमिंग कहते हैं ना। कह रहा है कि अगर आप बड़े मजे से टहल रहे हैं, राउंड एंड राउंड टहल रहे हैं वहाँ पर, अ नोबल, देखो नोबल का मतलब श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ नोबल का मतलब बड़ा होगा, अ नोबल वाइल्ड बेस्ट, एक बड़ा सा जंगली जानवर ग्रीट्स यू, अचानक से आपको मिल जाता है, अचानक से एक मिलने को कम अक्रॉस भी कहते हैं और ग्रीट भी कहते हैं ना, वैसे ग्रीट का मतलब बधाई देना होता है, ग्रीट से ग्रीटिंग बनता है, ग्रीटिंग कार्ड, बधाई पत्र, लेकिन यहाँ मिलना होगा। अगर आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हो, मजे ले रहे हो, तो एक बड़ा सा जंगली जानवर अचानक से आपको मिलता है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स बनी होती हैं, मतलब पट्टियाँ, जिसके ऊपर काली काली पट्टियाँ बनी होती हैं, ऑन अ येलो ग्राउंड, उसका मतलब उसके बॉडी का जो ग्राउंड रहता है वो येलो रहता है, और उस येलो ग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप रहती है, यहाँ पर देख सकते हो। आगे कह रहा है कि जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, है ना, इस तरीके से वो आपको नोटिस करता है जैसे कि वो आपको खा जाए, मतलब ऐसे नोटिस करता है, ऐसे घूर के देखता है आपको कि आपको वो खा जाए, तो समझ लेना कि दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, ये सिंपल सा रूल आपकी हेल्प करेगा जानने में द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आप ये रूल आपको हेल्प करेगा जानने में कि आप पता लगा सको, डिसर्न कर सको कि ये क्या है, बंगाल टाइगर, डिसर्न का मतलब होता है पता लगाना, डिस्टिंग्विश करना, है ना। एक बार और देख लो, कह रहा है कि अगर आपको घूमते घूमते एक बड़ा सा जंगली जानवर अचानक से मिल जाए जिसके ऊपर काली कलर की पट्टियां हों और येलो ग्राउंड, मतलब येलो बॉडी पे काली पट्टियां हों, ऐसे आपको वो नोटिस करे जैसे खा जाए,
तो ये सिंपल रूल आपको मदद करेगा यह पता लगाने में कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है ना, बंगाल टाइगर है। देखो जो बंगाल टाइगर होते हैं ना, इन्हीं के लिए जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ना अपना, क्या कहते हैं, उत्तराखंड में, जिसको श्री राम गंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो बंगाल टाइगर जब अचानक से मरने लगे, इनको कोई प्लेग वगैरह होती थी तो वहाँ से बंगाल टाइगर को हटा करके, और जिम कार्बेट एक अंग्रेज का नाम था जिन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया, उत्तराखंड में पहला नेशनल पार्क मतलब घोषित करवाया, तो ये बंगाल टाइगर की वजह से ही ऐसा हुआ था। पहले ये कोलकाता में था, मतलब ये कोलकाता में रहते थे, वही कह रहा कि ईस्ट में अगर जाओगे तो मिलेंगे। अब देखो थर्ड में क्या बता रही हैं, ये कह रही है स्ट्रॉलिंग का मतलब टहलना होता है, कह रही है इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ माने आगे, अगर टहलते टहलते आगे अब इस ट्यू व्यू एक जानवर आपको दिखाई देता है हुज हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, कह रहा है हुज हाइड विथ स्पॉट्स, हुज का मतलब यहाँ पर हुम होना चाहिए लेकिन हुज दिया है चूंकि पोएम है, कह रहा है कि जो छुपा होता है मतलब जो ढका होता है विथ स्पॉट्स है ना धब्बों से, काले काले धब्बों से इज पेपर्ड। देखो पेपर्ड का मतलब इसे ना काली मिर्च को पेपर्ड कहते हैं, याद रखना है ना, पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। तो ये कह रहा है ये काली मिर्च मतलब गोल वाली जो मिर्च होती है उस तरह के स्पॉट से ये ढका हो, ये जानवर ढका हो मतलब उसके ऊपर काले 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 क्या हो मतलब ये काली मिर्च के जैसे धब्बे हों। कह रहा है एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, अचानक से तुरंत अगर वो तुम्हारे ऊपर उछल जाए, लेफ्ट कर जाए, अचानक से छलांग मार दे तो यू विल नो इट इज अ लियोपॉर्ड, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है, तेंदुआ है, है ना, चीता भी कभी कभी इसको कहते हैं लेकिन यहाँ पर तेंदुआ ही होगा। अचानक से अगर वहाँ पर कूद जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, वो लियोपॉर्ड है। एक्चुअली ये रियल लाइफ में कोई अपने ऊपर कूदाने नहीं जा रहा है इसको, लेकिन ये एक सिंपल रूल ह्यूमरस स्टोरी के रूप में आपको बताया गया है ना। आगे कह रहा है कि देखो ये ट्विल मत पढ़ना, ये इट विल डू है ना, इट विल डू नो गुड, ये करना अच्छा नहीं होगा टू रोअर विथ पेन, कि आप दहाड़ो पेन के साथ, दर्द के साथ, मतलब ये उछले मतलब आपके ऊपर ये उछल जाए तो आप दर्द के मारे अगर क्या करोगे, दहाड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ही विल लीप एंड लीप अगेन, वो उछलेगा और उछलेगा आपके ऊपर बार बार। देखो ये ना 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन को थोड़ा ध्यान समझना, ये कह रहा है इट विल है, इट विल डू नो गुड, अच्छा नहीं होगा टू रोअर चिल्लाना विथ पेन माने दर्द से, दर्द से चिल्लाना आपका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो बार बार आपके ऊपर उछलेगा और उछलेगा ही, बच नहीं पाओगे आप, समझ में आया। तो ये लियोपॉर्ड के रूप में है। अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, भालू के बारे में बताया है कि भालू मतलब क्या करता है, कैसे होता है, उसे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो बता रही है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग ग्राउंड योर यार्ड, जब कभी भी आप टहल रहे हो, राउंड एंड राउंड घूम रहे हो इधर उधर, हाँ योर यार्ड अपने यार्ड में, यार्ड का मतलब आंगन होता है, यहाँ पर कोई खाली जगह है तुम अपना आंगन ही समझ लो, मतलब किसी जंगल का आंगन समझो, घर में तो नहीं आएगा। कह रहे हैं अगर आप अपने यार्ड में अचानक से टहल रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, वहाँ आप एक प्राणी से मिल गए, क्रीचर माने एक प्राणी से मिल गए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। देखो यहाँ हग्स का मतलब क्या है ना, गले लगाना, कह रहा है कि जो आपको गले लगा लेता है ना, और वेरी वेरी हार्ड, काफ़ी हार्ड तरीके से। एक्चुअली भालू होता ही बहुत भारी है और बॉडी बहुत टाइट होती है इनकी, कह रहा है कि अगर वो आपको गले लगा लेता है, पकड़ लेता है ना बहुत हार्ड तरीके से, तो बी श्योर, समझ लो, श्योर हो जाओ कि इट इज़ अ बियर, ये क्या है, भालू है। अब बताओ कौन पकड़वाने जाएगा उससे। कह रहा है कि इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है कि मतलब ये भालू नहीं है, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूं कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तब आपको वो एक और भी कैरेस देगा। कैरेस का मतलब क्या होता है ना, पैम्पर करना समझते हो ना, मतलब प्यार से, ऐसे लोग नहीं करते बच्चों को, ऐसे प्यार से करते हैं, उसे कैरेस कहते हैं, मतलब जेंटल टच है ना। तो कह रहा है कि ये भालू की क्वालिटी होती है कि वो हग करेगा बहुत हार्ड कस के, तो समझ जाना कि भालू है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो वो आपको एक और केरिस देगा, मतलब जेंटल टच आपको देगा, क्योंकि भालू जो होते हैं ना वो आदमी
से ऐसे सच में गले लग जाते हैं ऐसे, मतलब ये आदमी जो एक छोटे बच्चे को करता है ना, वो भालू एक छोटे बच्चे को कर सकता है अगर उसको थोड़ा सा ट्रेस वगैरह किया जाए तो, ट्रेन वगैरह किया जाए तो करते हैं। वही कह रहा है कि इसे समझ लेना कि वो भालू है, अगर तुम्हें डाउट है तो मुझे लगता है कि वो एक और कैरेस देगा आपको, जेंटल टच देगा, छुएगा बड़े प्यार से, तो समझ जाना कि वो क्या है, भालू है ना। अब देखो, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हाइना के बारे में उन्होंने क्या बताया है, कह रहे कि दो हालांकि टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे नॉइस माइट नॉन प्लस, देखो नॉइस का मतलब होता है नौसिखिया आदमी है ना, जो नौसिखिया होता है, और नॉन प्लस का मतलब होता है घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। कह रही कि हालांकि पहचान पाना एक जंगली जानवर को है ना, कह रहे कि शिकारी, शिकारी जानवर बीट्स ऑफ प्रे देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, बीट्स ऑफ प्रे माने शिकारी जानवर जो होते हैं, अ नॉइस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज हो जाना, और नॉइस का मतलब होता है नौसिखिया आदमी, जो मतलब अभी मैच्योर नहीं होता है, मतलब नौसिखिया होता है। कह रहे हैं कि हालांकि पहचान पाना एक, मतलब जो शिकारी जानवर होते हैं उनको पहचान पाना एक नौसिखिया आदमी के लिए क्या हो सकता है, कंफ्यूजियस हो सकता है, मतलब परेशान कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एक नौसिखिया आदमी परेशान हो सकता है, नॉन प्लस हो सकता है, कब, उसको जब पहचानना हो शिकारी जानवरों को, तो यानी जानवरों को शिकार करने वाले जानवरों को एक नौसिखिया आदमी अच्छे से नहीं पहचान सकता है। क्यों, कह रहा है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कह रहा है कि एक क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को, यू ऑलवेज मे टेल, आप बता सकते हो फ्रॉम द हाइना, हाइना से बता सकते हो, हाइना से कहने का मतलब कि हाइना से उसको अलग कर सकते हो। कह रहे कि एक क्रोकोडाइल को आप हमेशा हमेशा ना एक हाइना से अलग कर सकते हो, टेल फ्रॉम मैंने अलग कर देना, अलग बताना, आप अलग बता सकते हो, मैंने समझा सकते हो, दोनों में अंतर समझा सकते हो, दस माने इस प्रकार, इस प्रकार आप एक हाइना और क्रोकोडाइल में अंतर समझा सकते हो। कैसे, नीचे बता रही हैं, कह रही है हाइनास कम विथ मैरी स्माइल, जो लकड़बग्घे होते हैं ना हाइना, वो आते हैं कैसे, विथ मैरी स्माइल, बहुत ही प्यारे स्माइल के साथ। देखो एक्चुअली ये स्माइल नहीं होती है, देखो ये हंस नहीं रहा है, इसके मतलब चेहरे की बनावट ही ऐसी होती है मुंह की। तो कह रहे हैं कि हाइना जो होते हैं ना वो एक मैरी स्माइल के साथ आते हैं, अच्छा स्माइल करते हुए आते हैं, चेहरा उनका लगता है कि स्माइल कर रहे हैं। बट इफ देवी, लेकिन जब ये रोते हैं ना, जब हाइना रोते हैं ना, तो दे आर क्रोकोडाइल, वो क्या बन जाते हैं, वो क्रोकोडाइल बन जाते हैं, मतलब जब रोते समय वो क्रोकोडाइल के रूप में दिखाई देने लगते हैं, क्रोकोडाइल जैसा शेप ले लेते हैं, और ऐसे नॉर्मली आते हैं तो मैरी स्माइल के साथ आते हैं, मतलब लगता है जैसे हंसते हुए आ रहे हैं। तो ये पैरा खत्म हो गया, अब लास्ट पैरा में देखते हैं इन्होंने क्या बताया है ना। कह रही है कि द ट्यूब कैमिलियन इज स्मॉल, रियल वाला जो कैमिलियन माने गिरगिट, रियल वाला जो गिरगिट होता है ना, ये देखो यहाँ पर बैठा हुआ है, रियल वाला जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के जैसा कोई वस्तु जैसे होता है, एक छिपकली की जैसी वस्तु जो होती है उस आकार का एक कैमिलियन होता है छोटा सा। कह रहा है कि ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, बिल्कुल कान नहीं होते उसकी, एक भी कान उसके नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और नहीं तो उसकी एक भी पंख होते हैं, वो उसके पंख भी नहीं होते हैं ना उसके कान होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, जब ट्री पे कुछ नहीं रहता है, मतलब ट्री पे कोई जीव नहीं रहता है ना, तो इट इज, देखो यहाँ पर इट इज है, इट इज द कैमिलियन यू सी, तो वहां पर क्या आपको दिखेगा, आप किसको देखोगे, तो कैमिलियन को देखोगे, मतलब गिरगिट को देखोगे, यानी पेड़ पे बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है, हालांकि उसके पास पंख नहीं होते हैं, सुन भी लेता है, उसके पास कान नहीं होते हैं, है ना। तो ये यही खत्म हो जाता है, इसमें बहुत कुछ खास आपको सेंट्रल आइडिया वगैरह नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें से पूछा नहीं जाता है, कभी कभार एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से, तो इसको पढ़ लेना, है ना। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।